Open. Time up. Oh no, only one member giving the right answer. Did we carry yesterday by only one? Keep the answer. Next question. Leaderboard showing. Dr. Gaurav, fastest answer. Next question. Our total internal reflection divided to of angle of incident angle of incident I will be pura antrik paravartan ke liye आपतन का कोण होगा आई बराबर ए में है आई बराबर क्रिटिकल एंगल बी में है आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी में आई लेस देन क्रिटिकल एंगल डी में आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल अर्थात आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बराबर होगा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होगा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से छोटा होगा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा या बराबर होगा इन चारों में कौन होगा जल्दी से आंसर दो टाइम पास होता जा रहा है जितना ही जल्दी आंसर देगा उसको उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा इधर बाएं साइड में 1000 पॉइंट है लास्ट में 500 पॉइंट है जो माइक्रो सेकंड पे अगर क्वेश्चन का आंसर लेने में लेट करते हो तो उतना पॉइंट कम हो जाता है जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अचीव कर सके
टाइम ऑफ हो रहा है, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। फास्टेस्ट आंसर डॉक्टर गौरव। डॉक्टर गौरव फास्टेस्ट आंसर। डॉक्टर गौरव ने इस क्वेश्चन का विनर हुआ। ओनली वन मेंबर आर गिविंग द करेक्ट आंसर एंड अदर मेंबर आर नो। अरे मुझे बिल्कुल गिरी सब पर नहीं पड़ रहा है। सब पब्जी खेलने में लगे हुए हैं, सब लोग इतना मेहनत करके आदमी लोड कर रहा है वीडियो और सबको भेजा जा रहा है, एक वीडियो भेजा जा रहा है, उसी को पढ़ करके आंसर दे रहा है, फिर भी नहीं कर पाते हैं फिर। बहुत दुख की बात है। और बोर्ड होगा, हर हाल में एग्जाम लेगा, तो ऑनलाइन भी एग्जाम ले सकता है लेकिन लेगा, सिलेबस शॉर्ट करके लेगा लेकिन एग्जाम हर हाल में आप लेंगे। आप लोग जितना हो सके उतना अचीव करें, जहाँ से भी जो मटेरियल मिलता है उसको गेन करने की कोशिश करें। हमारा चैनल फुल भी है फिजिक्स के लिए, सर का रामायण सर का वीडियो लोड हो रहा है, फिजिक्स सर्किल भाई रामायण सर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टू लेंसेज फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर और माइनस 15 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर को एक्सियली, द नेचर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी, इक्विवेलेंट लेंस क्या छूट गया है, इक्विवेलेंट लेंस विल बी, अर्थात दो लेंस क्रॉस फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और माइनस 15 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है समाक्षीय, तो इसके समतुल्य लेंस का ये होगा प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्स कनकेव, इसमें से कौन सही है। ठीक लग गया है, ठीक लग गया है, सब क्वेश्चन पर देखते हैं। सोनू This man is giving the fast answer. Very few times for you. Very few seconds are left. Do fast. 1, 2, 3, 4 Time up. Time. Oh no. Only one member they're giving the correct answer. Only one member giving the answer. Very wrong. Who is it? Only you, particular. Only one member, सिर्फ एक आदमी है सर। नेम डॉक्टर गौरव फास्टेस्ट आंसर। गिविंग द राइट आंसर वन, ओनली वन। Next question. The convex length of focal length F is imagined in water. The focal length of lens will be the convex length of body में डुबा दिया जाए तो काय खत्म हो गया। कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोकल लेंस होगा। क्वेश्चन भी हट गया। मेल को जो हट गया
डॉक्टर गौरव फास्टेस्ट आंसर। डॉक्टर गौरव उसको अगर वर्टिकली दो भाग में दो भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का फोकल लेंथ कितना होगा? कांग्रेचुलेशन डॉक्टर गौरव। लॉट लॉट थैंक्स अप डॉक्टर गौरव।